अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जहां पर एक बुजुर्ग माँ के साथ में बेटे ने मारपीट करी। और इसी को लेकर के निर्भया टीम को जब इसकी सूचना प्राप्त हुई तो निर्भया टीम ने जाकर के तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लोगों से अपील करी है कि आप सभी के साथ में यदि कुछ भी गलत होता है तो तुरंत प्रभाव से इसकी जानकारी दें, और साथ ही पुलिस प्रशासन तुरंत प्रकार से मुस्तैद रहेगा और आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। तो दिखाते हैं इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सेफर स्ट्रीट के तहत सफर करते हुए सादा वर्दी में निर्भय स्क्वाड महिला कर्मी राजू एवं अंजू व्यास कॉलोनी शास्त्री नगर में पार्क में पहुंचे और वहां पर निगरानी रख रहे थे, तो उन्हें एक बुजुर्ग महिला का कॉल आया। उसमें बताया कि मेरा बेटा मेरे साथ मारपीट कर रहा है। फिर वह मौके पर पहुंचे और देखा कि कॉलोनी वालों ने उस लड़के को पकड़ रखा था। वहीं उन्होंने अपना परिचय दिया और PCR बुलाई और चेतक IC ने उस लड़के को समझाया तो वह उत्तेजित हो गया और कहने लगा कि आप कौन होते हो मेरी माँ, मैं चाहे कुछ भी करूँ आप हमारे बीच में मत पड़ो। वहीं दूसरी तरफ मार हो रही थी और बेटा मारने को तैयार हो रहा था। निर्भया ने तुरंत फिरोज पुत्र छुट्टन कुरेशी को गिरफ्तार भी करवा दिया और सभी से अपील की कि अगर आपके आसपास कोई भी एकल बुजुर्ग रहता हो तो कृपया उसका रजिस्ट्रेशन संबल योजना के तहत पास के थाने एवं राजकूप ऐप पर कराएं ताकि जरूरत के समय उन्हें तुरंत मदद मिल सके। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।